दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज, अगर आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना में जीरो खाता है तो आपको मिलेंगे 30,000 रुपए। दोस्तों जनधन अकाउंट जीरो बैलेंस खाते पर मिलते हैं ये 5 फायदे। तो दोस्तों ये 5 फायदे कौन कौन से हैं और कैसे मिलेंगे 30,000 रुपए, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है आपका जनधन खाता है या नहीं, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों देश के करीबी यानी करीब और पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले यानी अपने पहले कार्यकाल में पहले साल ही प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी। दोस्तों पीएम मोदी ने इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की थी, जबकि इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया था। इस योजना के तहत पीएम मोदी का उद्देश्य हर परिवार के लिए एक बैंक खाता खोलना था। दोस्तों समय बीतने के साथ ही इस योजना में सरकार ने कई लाभ शामिल कर दिए और उनका विस्तार कुछ इस प्रकार है। दोस्तों जनधन योजना के तहत जीरो बैलेंस खाता खुलवाकर आप भी बीमा, ओवरड्राफ्ट और पूरे देश में कहीं भी मनी ट्रांसफर जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों देश का कोई भी नागरिक जनधन योजना के तहत किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवा सकता है। जनधन योजना के तहत 10 साल से कम उम्र का बच्चा भी इस खाता को खुलवा सकता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं जनधन योजना के तहत खुलवाए गए यानी खाते में 5 बड़े फायदे क्या हैं। दोस्तों नहीं है मासिक बैलेंस बनाकर रखने की जरूरत। दोस्तों आमतौर पर बैंक खातों में हर महीने कुछ न्यूनतम बैलेंस बना कर रखना पड़ता है। प्राइवेट बैंकों में न्यूनतम बैलेंस राशि 10,000 रुपए तक होती है। हर परिवार के लिए इतना बैलेंस बैंक में बनाकर रखना मुश्किल है दोस्तों, मगर ऐसा न करके बैंक अपने यानी ऐसा न करने पर बैंक शुल्क वसूलती है। जनधन योजना के तहत खुलवाए गए खातों में सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें न्यूनतम बैलेंस की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका इसमें बैलेंस नहीं है तो कोई पैसा नहीं कटेगा और ना ही खाता बंद होगा। दोस्तों ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा है इसमें। एक बार अगर आपका जनधन खाता 6 महीने पूरे कर लेता है तो आप उस स्थिति में बैंक ओवरड्राफ्ट की ले सकते हैं। आपको जनधन योजना के तहत खुलवाए गए खातों में 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा 5,000 रुपए मिलती है, लेकिन इसे दुगना कर 10,000 रुपए कर दिया है। जनधन खाताधारकों को 1 रुपए कार्ड मिलता है जिसके जरिए वह ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। एक और फायदा जो जनधन खाते में मिलता है वो है मोबाइल बैंकिंग। जनधन खाता गरीबी रेखा से नीचे वालों को साधारण मोबाइल फोन के जरिए कुछ बुनियादी वित्तीय लेन देन उपलब्ध कराता है। दोस्तों आपको बताने की मिलता है 2 लाख रुपए का बीमा। यानी जनधन योजना के तहत 37 करोड़ से अधिक खोले गए खातों में जनधन खाते पर कुछ नियमों का पालन करने वाले ग्राहकों को 30,000 रुपए का बीमा कवर मिलता है। और दोस्तों दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में 2 लाख रुपए का बीमा भी मिलता है इसमें। यानी इस फायदे को प्रधानमंत्री जनधन योजना का सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण लाभ माना जाता है, क्योंकि इसके जरिए देश की बड़ी आबादी लाइफ कवर और बीमा सुरक्षा से लैस हुई है। खास बात यह है कि दोस्तों यानी खासकर वे तबके जो इन सुविधाओं से अब तक दूर हैं, बता दें कि पहले दुर्घटना बीमा राशि 1 लाख रुपए मिलती थी, जिसे पिछले साल दोगुना कर 2 लाख रुपए कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना में जीरो खाता है तो आपको मिलेंगे ये 5 बड़े फायदे और 30,000 रुपए का लाइफ कवर इंश्योरेंस मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए आपका बहुत